जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग, वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग, अजय होटल बिल्डिंग, लौड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। जी अपना पर्चा। हमारा पर्चा अशोक कुमार सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चतुर्थी राज कर्मचारी महासंघ। अशोक जी, किस तरह का यहाँ पर सेमिनार चल रहा, क्या है ये? है प्रांतीय अधिवेशन और चुनाव होगा, इसके बाद हम शपथ समारोह लखनऊ में करेंगे। हमारी मांग आज लक्ष्मण आचार्य जी आए हैं, उनको 17 सूत्री मांग सौंपेंगे। 17 सूत्री मांग में मुख्य मांग यह है कि नई पेंशन बहाल हो। दूसरा मांग यह है कि सचिवालय के भांत 1900 पे बैंड दिया जाए। मांग नंबर 3 यह है कि दैनिक वेतन कर्मचारी वन विभाग के इनको विधिवीकरण नहीं किया जा रहा है शासनादेश के बावजूद। चौथा मांग यह है कि कलेक्ट्रेट में 1997 से आज तक नियुक्ति नहीं हुई, तमाम तरह होमगार्ड सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनका भी नियुक्ति वहां किया जाए, जो कि पूर्व व्यवस्था थी कि दैनिक वेतन रखे जाए। यही सब लेकर 15 सूत्री मांग प्रदेश उपाध्यक्ष को हम सौंपेंगे और उसके बाद लखनऊ में शपथ समारोह में हम निर्णय लेंगे कि सरकार के खिलाफ हम क्या करेंगे। Scholars Valley, a home of education. Play group to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. G.K. Sarma, Pradesh Upadhyaksh, Raj Kanchari Mahasam. ये हमारा प्रदेश सम्मेलन है, ये दूसरा चरण हो रहा है हमारा। पहला सम्मेलन कानपुर में हुआ था, आज दूसरा सम्मेलन संपन्न हो रहा है। क्या उद्देश्य है सम्मेलन के बाद? हमारा जो है प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा, चुनाव होगा, इसके बाद हम अगली रणनीति तय करेंगे, प्रदेश सरकार के अथवा जो आह्वान करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आप ये ज्ञापन किसको देंगे, मुख्य अतिथि के रूप में कौन है यहाँ पर? हमारे मुख्य अतिथि हैं एसपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये वो विशेष अतिथि हैं कमलेश मिश्रा, राज्य कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी पहले मांगे हैं पुरानी पेंशन लागू की जाए, आउट ऑफ सोर्सिंग बंद की जाए, नई भर्ती खोली जाए चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की, जैसे विभागों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी कम हैं जिससे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चुनाव किस प्रकार करा रहे हैं, क्या उद्देश्य चुनाव का? हमारा 2 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, 7 जनवरी को चुनाव होना था, लेकिन सरकार के दिशा निर्देश अनुसार, कार्मिक प्रमुख सचिव कार्मिक के द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार हम ये कार्यक्रम पहले ही तय कर दिए कि इसी सम्मेलन में हम अपना चुनाव भी संपन्न करा लेंगे। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से हर प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, और आज यहाँ पूर्वांचल के काफी जिले के लोगों के, हर विभाग के संगठन के अध्यक्ष और मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।